जितना मेरा शूज है उससे थोड़ी सी ही ज्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ये अमीरों का लगेज लैंप है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे बीच में मौजूद है रेड कलर की फरारी, ये है 488 स्पाइडर। मतलब ये जो गाड़ी है ना, हर एक इंडियन की ड्रीम कार है। ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, हर किसी को चाहिए कि उनके पास एक फरारी जरूर हो, वो भी रेड कलर की। तो ये ना मिस्टर अनीश गुप्ता की कार है एंड उनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। अगर आपको उनका कार कलेक्शन देखना है तो आप जाके उनके इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर सकते हो। सो यार, आज की वीडियो में ना हम यही देखने वाले हैं कि इसमें से क्या क्या फीचर्स है जिस वजह से इसको इतना स्पेशल बनाया जाता है। मतलब हर कोई चाहता है कि ये गाड़ी उनके पास में हो। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, क्या हिडन फीचर्स है, वो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो यार इसका ये नंबर देखो जरा। मतलब देखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही नॉर्मल सा नंबर है, बट 488 नंबर इंटेंशन से लिया गया है, क्योंकि गाड़ी 488 है तो नंबर भी 488 लिया है। जिनकी ये कार है वो इजीली 0001 जैसे नंबर्स ले सकते थे, बट ये ऑन इंटेंशन नंबर लिया गया ताकि गाड़ी से मैच कर सके। यार एक बार ना इस कार की हाइट देखो आप, मतलब कितनी छोटी सी है, कितनी डाउन टू अर्थ कार है ये। अभी अगर देखो, अभी मेरी यहाँ बिल्कुल नीचे तक आ रही है, मैं नीचे बैठ जाऊंगी तो भी मुझसे डाउन टू अर्थ लग रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसकी की देख लेते हैं, बहुत ही प्यारी सी की है इसकी। जैसे कलर की रेड में कार है, फरारी रेड में वैसी ही इसकी की है। देखो बिल्कुल मैचिंग। ये कलर बहुत ज्यादा फेमस है भाई, फरारी रेड कलर। इसके ऊपर यहाँ पे फरारी लिखा हुआ है। बाकी इसको अगर आप यहाँ से इसे प्रेस करके खींचोगे ना तो की निकल जाएगी बाय चांस, अगर इसकी बैटरी वगैरह डेड हो जाती है तो। एंड यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक ये बटन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाला बटन प्रेस करके रखोगे तो इसका जो ट्रंक है वो खुल जाएगा। अभी नॉर्मल गाड़ियों में बूट अनलॉक होता है, इसमें जो बोनट है वो अनलॉक होता है, फर्क है इस चीज़ का। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ एक रेड सा लेवर दिया गया है एंड ऐसे ये ओपन हो जाता है। सो बेसिकली इसमें आगे ना यहाँ पे इंजन नहीं होता, इसका बूट आगे होता है। स्टोरेज स्पेस यहाँ पे होती है, इसका जो इंजन होता है वो नैनो की तरह पीछे होता है और बूट आगे आपको यहाँ पे दिया जाता है। और यार अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो आपको खुद से बोनट उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं तो बहुत काम आसान हो जाता है यहाँ पे। एंड फरारी के हिसाब से इसका जो मतलब बूट स्पेस है मुझे मोर देन सफिशिएंट लगा, बहुत अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे ना आपको दो लाइट्स भी दी गई है इसके अंदर, लगेज लैंप कह लो भाई, ये अमीरों का लगेज लैंप है एलईडी वाला। अभी यहाँ पे ना इस एरिया में आपको खाली खाली नजर आ रहा होगा, क्योंकि आज तक हमने ज़्यादातर बेसिक कार्स देखी है उसमें ना ये एरिया में आपको इंसुलेशन प्रॉपर दिया जाता है, बट इसमें नहीं दिया गया क्योंकि इसका जो इंजन है वो पीछे है, तो यहाँ पे आपको अलग सा नज़र आ रहा होगा। बाकी इसको बंद आप ऐसे ही आराम से कर सकते हो, पूरा बंद होने के बाद में आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो पूरा ये लॉक हो जाता है। फ्रंट में यार सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे फरारी का लोगो दिया गया है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा लोगो है। एंड इसके हेडलैम्प्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक बार ज़रा इसके DRLs देखो यार, कितनी ज़्यादा स्टनिंग है ना, मतलब ऐसा लग रहा है डायमंड्स है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे ना आपको एक प्रोजेक्टर ऑफर किया गया है जो वाइट लाइट में है, एंड कुछ यहाँ पे आपको इसकी इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाती है। नीचे ना आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। एंड अगर आप यहाँ देखोगे ना वो टायर देखो, मतलब बहुत ही लो प्रोफाइल टायर आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे भी इसके सेंटर में आपको फरारी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाती है, मुझे थोड़ा सा अलग लगा, मतलब इसके ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं दिए गए और भी हम इस पर, ठीक है जो भी है। एंड यहाँ पे ना बहुत ही स्लीक सा डोर हैंडल है, मतलब इसमें वर्टिकल वाले डोर्स नहीं है जो ऐसे खुलते हैं, नॉर्मल वाले डोर्स ही हैं। बट एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे अभी मैं इसको खोलूँगी ना, ये देखना मिरर नीचे हो गया, अभी बंद करूँगी तो अपने आप ऊपर हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे ना एयर डैम्स दिए गए हैं जो एरोडायनामिक्स इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। बाकी अगर आप टायर की प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो वो है 295/30R20। ये देखो यार यहाँ पे ना फरारी में येलो कलर के कैलिबर्स है। बाकी अगर आप इसकी रियर प्रोफाइल देखोगे ना, रियर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब इतनी चौड़ी लगती है ना ये रियर से, मुझे फ्रंट के कंपेरिजन में रियर से ही ज़्यादा सुंदर लगी। इसके टेल लैम्प्स अगर आप देखोगे तो राउंड शेप में टेल लैम्प्स आपको दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड सेंटर में आपको यहाँ पे फरारी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे भी फरारी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्चुअली ना ये जो पीछे वाला एरिया एकदम खाली खाली है तो और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। बाकी आप रियर में एग्जॉस्ट देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है, और ये नकली नहीं है, वर्किंग है दोनों ही। बाकी इसको यहाँ से पुल करके आप आराम से इंजन के दर्शन कर सकते हो। तो ये यहाँ से खुल गया, अब इसको आपको ऐसे उठाना है। आई एम सॉरी थोड़ा सा गंदा हो रखा है, एक्चुअली ऊपर ट्रीज है तो थोड़ी से फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे गिरे हुए हैं ड्राइड।
इसमें ना आपको 3900 सीसी का V8 ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 488 सीसी पर सिलेंडर है, इसीलिए इसका नाम 488 है। ये इंजन 661 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 760 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब सोच के देखो 661 हॉर्स पावर, इसीलिए ये 0-100 सिर्फ 3 सेकंड के अंदर चली जाती है। यार एक बार ना मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाती हूँ, मतलब इसका गेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें बैठना बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत ही बिल्कुल ज़मीन से जुड़ जाते हो आप इसमें बैठते हो तो बहुत, बिकॉज ऑब्वियसली ये भागने के लिए गाड़ियाँ बनाई जाती है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बहुत कम होती है, तो बिल्कुल झुकी हुई गाड़ियाँ होती है ये। सबसे पहले ना मैं आपको इसका डोर दिखाती हूँ, यहाँ पे ना आपको ORVM कंट्रोल करने के लिए दिया गया है एंड नीचे आपको यहाँ पे ना जो बोनट होता है उसको ओपन करने के लिए बटन दिया गया है एंड इसको आप प्रेस करके रखोगे तो जो फ्यूल कैप है वो ओपन हो जाता है और ये बटन आपको दिया गया है गेट को अनलॉक करने के लिए। बाकी यार मैं आपको इसका बेस्ट फीचर दिखाती हूँ, ये कन्वर्टेबल है, ये जो बटन देख रहे हो इससे मैं अभी आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। अभी देखना मैं इसको दबा के रखूंगी, पूरी विंडोज रोल डाउन हो जाएगी, वो पूरा ऊपर से ऐसे आने वाला ही है। अभी ना मैं इसको वापस खोलने वाली हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अच्छी तरह आपको इंटीरियर दिखा सकूँ, रोशनी प्रॉपर आए, तो अब वापस से खुलने वाली है तो एक बार इसको रील में भी दिखा दूंगी, वो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। यार इसका स्टीयरिंग व्हील देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे पहले मैं इसको एक बार ऑन कर लूँ। पहले वो देखो उधर लिखा हुआ रहा है 488 स्पाइडर, ये देखो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी, और यहाँ पे भी आपको लाइट्स दी गई है। यहाँ पे ना आपको 3 मोड्स दिए गए हैं, रेस, स्पोर्ट एंड ये वेट। यहाँ पे आपको दोनों इंडिकेटर्स के बटन दिए गए हैं और बाकी यहाँ पे छोटे से आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ना आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं, आपको लाइट सामने ऑन ऑफ होती हुई दिख रही होगी एंड यहाँ स्टेयरिंग के ऊपर भी देखोगे ना तो यहाँ पूरे एरिया में कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है, बहुत ज्यादा सही लग रही है। बाकी इसका हॉर्न अगर आप ढूंढोगे तो आपको यहाँ पे हॉर्न दिया गया है इसका। यार इस गाड़ी में ऑब्वियसली आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम मिलती है, मान लीजिए अगर आप कोई रास्ते पे चल रहे हैं कुछ बम्पी रोड वगैरह आया तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया जिसे आप प्रेस करोगे, ये देखो क्लोज टू बम्पी रोड ऐसा लिखा आ जाएगा, उसके बाद आप इजीली उस रोड को क्रॉस कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो पूरा ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है और ये स्टिचिंग जो इस पर कर रखी है ना बहुत सुंदर लग रही है और ये जो रेड कलर है कुछ अलग ही लेवल का, मतलब टोटली डिफरेंट कलर है ये। एक बार इसका ग्लव बॉक्स देखो यार, ऐसे लग रहा है कोई ज्वेलरी का डब्बा है, पूरा वेलवेट में आपको दिया गया है एंड इसके अंदर आपको इल्यूमिनेशन भी मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको 488 स्पाइडर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये वाली जो फिनिश है ना कुछ क्लास फिनिश है, सुपर स्टनिंग लग रही है एंड ये ना चीज़ मुझे बहुत अलग लगी कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट नहीं दिया गया है, बट आई थिंक जो फरारी चला रहा है उसे इंफोटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो ये गाड़ी चला के इतना एंटरटेन हो रहा होता है कि उसे इंफोटेनमेंट की नीड फील होती ही नहीं है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं जो ऑटो डाउन डेफिनेटली है लेकिन ऑटो अप नहीं है, ये देखो अगर मैं इसको प्रेस करके रखूँगी तो ये ऊपर होगी एंड ये वाला जो बटन आप देख रहे हो ना ये पीछे आपको जो ग्लास दिया गया है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, और ये वाला जो आप कंट्रोल देख रहे हो ये कन्वर्ट करने के लिए कार को। इधर हैजार्ड लैंप और लॉन्च कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं और ऊपर वाले दो बटन है 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के एंड यहाँ पे ना आपको एक कप होल्डर दिया गया है, यहाँ पे भी छोटी सी कुछ ऐसी चीज आप रख सकते हो आप चाहो तो एंड यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, बेसिकली आप फोन अपना लगा के चार्जिंग पे यहाँ पे रख सकते हो। ड्यूल जोन AC दिया गया है, इसको देख के ही मेरे को चक्कर आ रहे हैं, इतने सारे कंट्रोल्स, यू नो वही महंगी गाड़ियों वाले चोचले। और इधर से पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की ही है तो यहाँ सेंटर में RPM मीटर दिया गया है, गजब का स्पॉटी लग रहा है। सेंटर में एक छोटी सी डिस्प्ले भी है जिसमें गियर्स का पता लगता है और अटेंशन टू डिटेल देखो, इसके अंदर भी फरारी का लोगो है और लेफ्ट डिस्प्ले में टेम्परेचर, किलोमीटर ड्रिवन, कितना फ्यूल है गाड़ी में, जिससे फरारी ओनर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ड्राइव मोड्स जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी यार इसकी सीट्स देखो, मतलब कितनी डीप सीट्स है, इसमें मैं आगे बैठी ना मुझे ऐसा फील हुआ मैं सीधा जमीन पे गद्दा छोटा सा या कोई कुशन लगा के बैठ गई हूँ। और यार ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा वर्क करता है,
सुपर स्टनिंग लगता है जैसा यहाँ पे लग रहा है। वे आपको सनशेड देखने को मिल जाता है, छोटा सा क्यूट सा सनशेड है जिसके ऊपर आपको ब्लैक पे रेड स्टिचिंग दी गई है। दूसरी साइड आपको सनशेड पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। एंड एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब करोड़ों रुपए आप ले रहे हो फरारी वालों, तो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM दे देना चाहिए था। एंड यहाँ पे आपको कैबिन लाइट्स दी गई है। बाकी यहाँ पे आप सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, ये आगे पीछे के लिए और ये रिक्लाइन एंगल वगैरह एडजस्ट करने के लिए। बाकी यार इसमें आपको अंदर कहीं ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं मिलती, बट यहाँ पे आपको मैश या नेट सा कुछ दिया गया है, आप चाहो तो अपनी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पे एक बार सीट बेल्ट देखो, वो भी आपको रेड कलर में दी गई है। एक बार आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो, मतलब जितना मेरा शूज़ है उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ये थी यार फरारी। आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है अच्छी ही लगी होगी बिकॉज इट्स फरारी। तो यार ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट लाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अनीश गुप्ता जिनकी ये कार है उन इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।